नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपोर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं आज बैंक निफ्टी से। देखिए जैसे कल मैंने लॉजिक शेयर किया था और मॉर्निंग में भी टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मैंने बताया था कि 46,700 का ही बटरफ्लाई अच्छा लग रहा है क्योंकि मैक्स पेन मॉर्निंग में यहीं पर था, तो मैंने इसे ही ट्रेड प्लान किया था। आप सब लोगों को मैंने ट्रेड दिया था टेलीग्राम चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। मैंने ट्रेड बताया था आप लोगों को 9:25 में, ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तानी लीवर का ट्रेड लिए थे, इसमें तो प्रॉफिट नहीं मिला और हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था तो मैंने 46,800 भी ऐड कर लिया था, तो ओवरऑल मतलब इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिला और 2:55 मैंने ट्रेड क्लोज करना प्रीफर किया। मेरा आज थोड़ा नुकसान हुआ और नुकसान हुआ लास्ट कैंडल में। अक्सर मैं 2:30 आसपास ट्रेड प्लान करता हूँ और मैं 3:10 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट में था, लगभग 1,50,000 प्रॉफिट में था। इसके बाद यहाँ से ना मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट किया, यहाँ से लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट है, ओके। और मैक्स पेन था 46,700 लेकिन ये 46,800 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लास्ट मिनट में। तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और 6-7 हज़ार नुकसान है मैंने कट किया। टर्मिनल शेयर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए लगभग 7 हज़ार लॉस में मैंने टर्मिनल आज क्लोज किया, अदरवाइज मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में था। लेकिन लास्ट कैंडल थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट कर गया, चूंकि एवरीडे मैं इसमें ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, आज थोड़ा नुकसान हो गया, चलेगा, ओके। और बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मतलब ओवरऑल इसमें मेरा मैं 78,000 प्रॉफिट में था तब मैंने ट्रेड प्लान किया था, तो इसमें लगभग 85,000 का लॉस हुआ मुझे, 85,000 लॉस मेरा गया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एवरीडे भी प्रॉफिट मिलता है। आप वेरीफाइड PLN चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है, और एवरीडे इसमें लगभग मुझे प्रॉफिट मिलता है 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 आसपास, ठीक है, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग। आज इसमें थोड़ा नुकसान हो गया मेरा, चलेगा, ओके। चलिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बटरफ्लाई वाले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। मैंने छोटे वाले डीमैट में भी इसमें बटरफ्लाई प्लान किया था मैं, और इसमें 700 का भी कॉल पुट मैंने सेल किया था, इसको देखिए, ठीक है, और 800 का भी मैंने सेल किया था, इसमें मुझे ठीक ठाक गेन मिला और लगभग इसमें 5,000 प्रॉफिट में था, लेकिन लास्ट में ट्रेड प्लान किया इसमें तो ये मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, मतलब थोड़ा ही प्रॉफिट बच गया, ओके। चलिए तो कल कैसे ट्रेड करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को लॉजिक शेयर किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ पहले 15 मिनट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहता है तो क्या करेंगे, लोअर साइड में लोग पुट शॉर्ट करेंगे, 46,500, 600, 700, ये सब पुट शॉर्ट हो जाएगा। अगर बाजार इसके ऊपर टिक जाता है, तो यहां तक बाजार में शॉर्ट होगा, मतलब 700, 800 में शॉर्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बनेगा। और देखिए इसी भाव से रेजिस्टेंस बन के नीचे आया, हम लोग दिन में यहाँ से कॉल भी सेल किए थे, इसमें मुझे ठीक ठाक गेन मिला था, जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड किए होंगे सबको पता होगा, ओके। तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आया क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस अच्छा वर्क किया, ओके। इसके बाद बाजार नीचे आ गया, कॉन्स्टेंट इसी रेंज में रहा, फिर लास्ट मिनट में मूवमेंट आया, तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है तो मुझे लगता है कल भी इसी टाइप का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कल निफ्टी और सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा। लॉजिक ये समझिए कि मार्केट पहले 15 मिनट किधर रहता है, अगर ऊपर रहता है तो सपोज करिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ फिर ऊपर गया तो ये सब रेंज का लोअर साइड का पुट शॉर्ट होगा, ठीक है। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस बनेगा, फिर रेजिस्टेंस से कॉल सेल करना लोग प्रीफर करेंगे, तो पहले पुट शॉर्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो कॉल सेल करना प्रीफर करेंगे, फिर मार्केट इसी रेंज में आके क्लोजिंग करता है जहां पर मैक्स पेन होता है। तो मैक्स पेन को 10 बजे के आसपास प्लान करिए, 10 बजे कहाँ पर है, देखिए आज मैं आप लोगों को और कल भी मैंने 9:25 के आसपास ही बता दिया था, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि इसी आसपास रहता है, ठीक है। लेकिन 10 बजे के बाद का मैक्स पेन ऑलमोस्ट मतलब एक्सपायरी इसी जगह मिल जाता है जहां पर मैक्स पेन हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा, एवरीडे चेक करिएगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी को प्रीफर मत करिए, बहुत ट्रेंडिंग के मैं ओपिन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस लाइन को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो अब मेरे लिए ए रेंज हो गया, मतलब अगर कल के लिए मुझे बैंक निफ्टी में प्लान करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि बैंक निफ्टी मुझे ट्रेड प्लान करना होता तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता कि ओपन हो जाएगा, फिर ए रेजिस्टेंस, ए सपोर्ट, ठीक है, पहले ऊपर का कॉल या
नीचे का पुट सेल करना प्रीफर करेंगे। अगर ऊपर ऊपर चला गया तो ऊपर पहले कॉल सेल करेंगे इस हाई के आसपास का रेजिस्टेंस डाल के, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो कट कर देंगे। अगर नीचे आ गया तो पहले पुट सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उम्मीद करेंगे यहाँ से बाजार वापस जाएगा, और अगर ऊपर गया तो उम्मीद करेंगे बाजार ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट है, लास्ट मिनट में जरूर इसमें मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो कल है फ्रेंड्स सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट ऑफ है, तो कल निफ्टी के लिए प्लान करेंगे। देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे और आ सकता है ये लाइन यहाँ पर, ठीक है। मतलब लोअर साइड में क्या रेंज दिख रहा है, लोअर साइड में दिख रहा है 22,000, ठीक है, ध्यान रखो 22,000 लोअर रेंज में। मिड रेंज क्या है 20 to 100, ठीक है, हायर रेंज क्या है 20 to 200, ठीक है। इसका मतलब कि अगर देखो मार्केट क्लोजिंग दिया 150 के आसपास, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाजार यहाँ पर आए सुबह सुबह, मतलब 20 to 100। अगर 20 to 100 सपोज करो कि 20 to 100 में मार्केट ओपन हुआ, देखिए हो तो कहीं भी सकता है ओपन, ठीक है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 to 100 में ओपन होगा। अगर 20 to 100 में ओपन हो रहा है, इसका मतलब कि पहले इसको सेल कर दें और इसके सेल कर दें और शांति से बैठे रहें, ठीक है। नंबर वन, अगर यहाँ पर आईबी मुझे अच्छा मिल जाता है, जनरली निफ्टी के आईबी 30 से ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन मैं आइडियल आईबी 40 मानता हूँ, ठीक है। अगर 40 के आसपास मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, स्ट्रेंगल प्लान करो पहले, क्योंकि डीके होगा तो बहुत फास्ट मिलेगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और कल भी वीडियो में कमेंट किया था, एक दो दिन पहले भी कमेंट किया था, सर 40 के आसपास आईबी अपने को मिलता नहीं, आप कैसे 40 के आसपास बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ ये आइडियल आईबी है, इस आईबी में अगर आपको ट्रेड मिला बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में 30 के आसपास शॉर्ट कर रहे हैं, अगर 40 के पास गया तो पहले आप ना 1400-1500 रुपया पर लॉट लॉस लेंगे, ठीक है, तो क्या फायदा। अगर यहाँ इस आईबी में शॉर्ट करें, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, तो यहाँ से जैसे ट्रेड डालेंगे विद इन 10 मिनट 15 मिनट आपको पर लॉट 1500-1600 रुपया मिल जाएगा, 1200-1500 रुपया मिल जाएगा, और मुझे लगता है ऑप्शन सेलर के लिए इनफ होता है। तो मैं ये लॉजिक आपको शेयर करता हूँ कि आईबी ए आइडियल है, ठीक है, इम्प्लॉइड वॉलिटिलिटी 40 आइडियल है, ये मिलता है तो एक बार डेफिनेटली ट्रेड प्लान करना चाहिए, और बीच बीच में आता है, एवरीडे नहीं आता है, लेकिन ये आईबी बीच बीच में आता है। ओके, तो मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा था कि कल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन कहाँ हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन हो पहले 20 to 100 में, इसी रेंज में ओपन हो जाए, 20 to 100 में ओपन हो, ठीक है, तो फिर पहले इसको सेल कर देंगे और इसके सेल कर देंगे, ठीक है। मतलब अपर साइड में 20 to 200 का कॉल सेल कर दो, लोअर साइड में 22,000 का पुट सेल कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर पुट सेल लगा जाएंगे और यहाँ पर कॉल सेल लगा जाएंगे, लोग उम्मीद करेंगे कि इस रेंज से बाजार कहीं जाए ना, ठीक है, ये नंबर वन तरीका। दूसरा, इसको देखें 9:30 या फिर 9:45 तक या 10 बजे तक, देखें कि बाजार इसी रेंज में रह रहा है, इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करें, दोनों सपोज करो कि आपने स्ट्रेंगल बनाया है, इसको प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर आप 22,100 का कॉल पुट सेल कर दो, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे कॉल पुट बाई कर लो। बैंक निफ्टी हम लोग 200 पॉइंट करते हैं, सेंसेक्स में हम लोग 300-300 पॉइंट ऊपर नीचे बाई करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर हम सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं तो मान लो कि सेंसेक्स 73,000 में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर सपोज करो कि इसमें बटरफ्लाई बनाता, तो क्या करता है, इस कॉल पुट को मैं सेल करता, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे मैं कॉल पुट बाई कर लेता, ताकि मेरा पोजीशन हेज हो जाता, ठीक है, इस टाइप का। तो निफ्टी में हमें केवल 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 10 बजे तक मार्केट कहीं नहीं जाता है तो आप एज्यूम करिए, थोड़ा मैक्स पेन चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर 20 to 100 के आसपास है, सबसे ज्यादा कॉल पुट कॉल सेलर पुट सेलर यहीं पर आ रहे हैं, तो उम्मीद करिए कि एटलीस्ट 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, 2:45 बजे तक मार्केट यहीं पर रहेगा, फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, इसके बाद ट्रेड मतलब टर्मिनल क्लोज कर दें। लास्ट मिनट में थीटा डीके कभी कभी मिलता है और कई बार स्पाइक जैसे आज आ गया, तो ऐसे कंडीशन में नुकसान हो जाता है, तो मैं प्रीफर नहीं करता लोगों को पब्लिकली बताने के लिए, लेकिन जो मेरे साथ लाइव करते हैं उन लोगों को मैं लॉजिक शेयर करता हूँ कि हाँ क्यों इसका मूवमेंट अपर साइड आना चाहिए और क्यों इसका मूवमेंट नीचे आना चाहिए। तो ये लाइव में समझाया जा सकता है, पहले से नहीं बताया जा सकता कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं तो जरूर करिएगा, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि इसको पहले बटरफ्लाई प्लान करना चाहिए अगर यहाँ पर ओपन होता है तो। नंबर वन, अगर मार्केट ओपन होता है पहले ऊपर 22,200 के आसपास, तो मैं पहले इसे रेजिस्टेंस समझ के पहले इसका कॉल सेल करना प्रीफर करूंगा, और अगर ये 22,200 में ओपन हो रहा है तो मैं पहले कॉल सेल करूंगा 22,100 का कॉल, ठीक है, मुझे लगता है ये मिल जाएगा 90 रुपीज या 100 के आसपास मिल जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, 15-20 रुपए के सेल डालेंगे, शॉर्ट का प्लान करेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये 22,100 के आसपास आए, 22,100 के आसपास आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक ना करके फिर हम लोग पुट सेल करना प्रीफर करेंगे, या फिर यहाँ पर 22,100 का ही पुट सेल करना प्रीफर करें। ऑलरेडी ऊपर से शॉर्ट किए हैं आप, इसमें 40-50 पॉइंट आप लोगों को गेन मिल रहा होगा, अगर फिर 22
100 का पुट सेल कर देंगे तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे आता भी है तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है, ठीक है, और पुट में आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर यहाँ पर रुक गया तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका कि अगर ऊपर खुला तो, अगर ये नीचे खुलता है मतलब 22,000 के आसपास ओपन होता है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि सपोर्ट बन जाएगा, राउंड फिगर लेवल भी, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो पहले पुट सेल करेंगे, पहले पुट सेल करेंगे, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जाके कॉल सेल कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से लॉजिक के साथ कल इसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, मुझे लगता है इसी रेंज में रहेगा, फिर 2:30 बजे बाद भले कहीं मूवमेंट कर सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो मे भी एक इसमें बड़ा मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा व्यू रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओपनिंग मुझे लगता है थोड़ा फ्लैट ही होना चाहिए, इसकी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा अच्छा होना चाहिए, सपोज करो कि 150 के आसपास ओपन हो रहा है, थोड़ा मतलब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं इंतजार करना प्रीफर करूंगा कि पहले नीचे आता है या फिर पहले ऊपर जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट की एज्यूम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ज्यादा नीचे आने की भी मैं ज्यादा इसमें एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं साइडवेज जैसा मार्केट या छोटे रेंज में मार्केट को ट्रेड करते हुए नजर मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नजर आता है, ठीक है। एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी, तो मे भी इसमें कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए वो, लेकिन आना चाहिए 2:30 बजे के बाद, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी में मेरा लॉजिक, राइट। अब चलिए बात करते हैं सेंसेक्स में। देखिए सेंसेक्स में ना ट्रेड बहुत अच्छा बनता है, राइट, सेंसेक्स में ट्रेड बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन इसमें और ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, और ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो अगर देखो मार्केट ओपन हो रहा है 73,000 में, सपोज करो यहीं पर ओपन हो रहा है, तो इस लाइन को मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। फिर 72,600 का ये जो भाव है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, इस भाव ये भाव थोड़ा ऊपर चले जाएगा, ये मेरा सपोर्ट है, तो 700 चला गया। तो जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 73,300 ऊपर रजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, और 72,700 मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। 73,000 में ये मार्केट क्लोजिंग दिया है, अगर यहीं पर रहता है, ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पर रहता है तो मैं इस कॉल पुट को सेल करूंगा सबसे पहले, ठीक है। शायद 40 रुपये मिल जाए या 30 रुपये मिल जाए या फिर 50 रुपये के आसपास मिल जाए, 300 पॉइंट ऊपर नीचे जो भाव मिल जाएगा पहले मैं इसको सेल करना प्रीफर करूंगा, ठीक है। इसमें अगर मुझे 40 का भी मिलता है तो बहुत बढ़िया, इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा पहले, इसके बाद थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, फिर हम लोग इसमें बटरफ्लाई जैसा प्लान कर सकते हैं। तो इसमें भी एक बटरफ्लाई बनाया जा सकता है 73,000 में, ठीक है। और सिंपल लॉजिक जैसे मैंने निफ्टी में बताया, अगर ऊपर रहता है पहले तो ऊपर से पुट सेल मतलब कॉल सेल करना प्रीफर करेंगे, अगर नीचे रहता तो नीचे से पुट सेल करना प्रीफर करेंगे, और रिज्यूम करेंगे 73,000 के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे इसे आप थोड़ा सा जरूर नजर रखिएगा कल के दिन पे। मैं आप लोगों को एक पॉइंट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और जैसे अभी मैं आपको शेयर करता हूँ तो निफ्टी का मैक्स पेन किधर है, हम लोग निफ्टी का मैक्स पेन देखने के लिए, सॉरी माफ करो ये क्या आ गया, ठीक है, ये इन्फो में जाते हैं, यहाँ पर सेंसिबल का इस्तेमाल करते हैं, 22,100 के आसपास है, ठीक है। इसमें सेंसेक्स आएगा, हाँ सेंसेक्स आएगा, तो सेंसेक्स के एक्सपायर माफ करना, सेंसेक्स क्या है मैक्स पेन, यह है 73,000 में, ठीक है। तो 73,000 के आसपास है और 22,100 के आसपास निफ्टी यहाँ पर चेक करती रही है, कहाँ पर है, 10 बजे के आसपास जहाँ रहेगा उसी आसपास ही इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग मोस्टली हमें मिलता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ये आप सेंसिबल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जरोधा में अकाउंट है तो, नहीं है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फ्री में मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फायर्स ऑफ स्टॉक या जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर मेरा व्यू फ्रेंड्स। अब मैं एक स्टॉक आपको शेयर करता हूँ, अगेन मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और मैं इसका लॉजिक रखा था कि ये स्टॉक टाटा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, और जिस दिन मैं इस दिन वीडियो बनाया था, ठीक है, जब क्लोजिंग दिया था सर्किट में, मैं एज्यूम किया था कि 10,000 का भाव टेस्ट कर सकता है, मैं मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, लेकिन ये खुलते ही लोअर सर्किट लग गया, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया। मैं आज इसको फिर से ऐड किया हूँ, 5,890 में मैंने अगेन ऐड किया है, मैं इसको फिर से 1 लाख रुपए क्वांटिटी का बाई किया हूँ, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लगभग टॉप से ये 40% गिर चुका है, अब वापस फिर इसको जाना चाहिए धीरे धीरे करके, तो फिर मैं इसमें अब दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा जब ये टॉप के आसपास जाएगा, तब मे भी थोड़ा नीचे रह जाए, लेकिन मुझे लगता है ठीक भाव में है, टॉप से अच्छा खासा गिर चुका है, अच्छा सेक्टर भी है, और मतलब अच्छा ग्रुप का कंपनी भी है। थोड़ा सा इसमें न्यूज आ गया कि टाटा सन्स का आईपीओ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में फिर से कोई न्यूज आ जाता है तो फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। तो एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि फिर से एक अपर साइड मूवमेंट आ जाएगा, 7,000-8,000 के आसपास ये मूवमेंट फिर देना चाहिए, तो वहां पर इस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें प्रिफर करेंगे फ्रेंड्स। ओके,
तो ये रहा आज के वीडियो में मेरा व्यू और लॉजिक फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में ही तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।